त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको श्री कृष्णा के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। मथुरा नगरी में एक राजा था, उसका नाम था कंस। बहुत ही अत्याचारी था। एक दिन आकाश में भविष्यवाणी हुई कि उनकी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस बहुत ही डर गया और कंस ने अपने प्यारे बहन देवकी को कारागार में, जेल में बंद कर दिया। कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को मार दिया। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो भगवान श्री विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण जी को नंद बाबा और यशोदा मैया के पास गोकुल में छोड़ आए, वहाँ वह सुरक्षित रहेंगे। इस तरह नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। तभी से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष मनाते हैं। और आपको पता है, श्री कृष्णा जी बहुत ही नटखट थे, उनको माखन बहुत पसंद था और गाय से बहुत प्यार था। श्री कृष्णा जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हम सबको पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। तो मैं आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सब परिवार सहित हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए और खुश रहिए। धन्यवाद। Oh, my God.
उसमें देख के करोगे तो उसमें नहीं आएगा, अच्छे अपने करो, बहुत मस्त। करनी करनी है तो बातें तुमसे, दर्शन तुम्हारा पाना, इरादे सब ठीक कर हमें बरसा, हमें बरसा।